हाँ बताइए क्या घटना हुई है, पूरा घटना बताइए। घटना सुबह से शाम तक का बिक्री था झोला में, और हम कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक आदमी और बैठे हुए थे अमरनाथ सिंह, तो वो लिख रहे थे। उसके बाद वो आया बेंच पर से झोरबा ले लिया और मुंह गमछा से बांधे हुए था, और उसके बाद कहता है कि चलो, तो हम कह रहे झोरा दे दो। तब तक पीछे से जो हमारे पीछे एक आदमी खड़ा था, उसके पास औजार था, वो बगल से आके थोड़ा आगे बढ़ के फायर किया और दोनों चला गया। अब वो जो गाड़ी बिना नंबर का शायद था, और CCTV जो लगा हुआ है गेट पर की कहाँ, वो में शायद उसका छाप भी आया है, और वो कहीं एक जगह और ठोकर मार के भागा है। कैसा हुई पुलिस वुलिस आई तो बोल रहा था। कितना लगभग पैसा होगा? लगभग जैसे दो गाड़ी प्याज था, जिसमें आधा आधा गाड़ी दोनों का बिका हुआ है, आधा गाड़ी आलू था, और लगभग 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, जो हो, एक्यूरेट गिनती नहीं है, क्योंकि तो एक्यूरेट गिनती होता है रात में। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह। हम समझे कि अपना कोई आदमी है, खेल कर रहा है, तो हम उसके पीछे दौड़े नहीं, अगर दौड़ते तो गोलियों मार देता, क्या उसका प्री प्लान था। हम तो बेसूद थे कि भाई अपना आदमी है, वो दे देगा, तो हम बढ़े भी पड़ा कि भाई झोरबा दो ना। तब तक वो लेके भागे आता इधर से ही, ऐसे घूम के पीछे से आ गोली फायर किया। झोलबे में पैसा था सर? हाँ, झोला में पैसा था, सुबह से शाम तक का बिक्री था। हाँ बताइए क्या घटना हुई है, पूरा घटना बताइए। घटना सुबह से शाम तक का बिक्री था झोला में, और हम कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक आदमी और बैठे हुए थे अमरनाथ सिंह, तो वो लिख रहे थे। उसके बाद वो आया बेंच पर से झोरबा ले लिया और मुंह गमछा से बांधे हुए था, और उसके बाद कहता है कि चलो, तो हम कह रहे झोरा दे दो। तब तक पीछे से जो हमारे पीछे एक आदमी खड़ा था, उसके पास औजार था, वो बगल से आके थोड़ा आगे बढ़ के फायर किया और दोनों चला गया। अब वो जो गाड़ी बिना नंबर का शायद था, और CCTV जो लगा हुआ है गेट पर की कहाँ, वो में शायद उसका छाप भी आया है, और वो कहीं एक जगह और ठोकर मार के भागा है। कैसा हुई पुलिस वुलिस आई तो बोल रहा था। कितना लगभग पैसा होगा? लगभग जैसे दो गाड़ी प्याज था, जिसमें आधा आधा गाड़ी दोनों का बिका हुआ है, आधा गाड़ी आलू था, और लगभग 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, जो हो, एक्यूरेट गिनती नहीं है, क्योंकि तो एक्यूरेट गिनती होता है रात में। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह। हम समझे कि अपना कोई आदमी है, खेल कर रहा है, तो हम उसके पीछे दौड़े नहीं, अगर दौड़ते तो गोलियों मार देता, क्योंकि उसका प्री प्लान था। हम तो बेसूद थे कि भाई अपना आदमी है, वो दे देगा, तो हम बढ़े भी पड़ा कि भाई झोरबा दो ना। तब तक वो लेके भागे आता इधर से ही, ऐसे घूम के पीछे से आ गोली फायर किया। झोलबे में पैसा था सर? हाँ, झोला में पैसा था, सुबह से शाम तक का बिक्री था। हाँ, हम लोग को पर साल पहले कम जगह लेता था, इस बार इतना ना ज्यादा जगह ले लिया है। और मीडिया वाला आया था? हाँ हाँ आया। सर क्या सूचना मिली है? लगभग 5:45 का समय है, बाजार समिति में 3 अपराधी घुसे थे और तीनों बाइक पे सवार थे, गल्ले का जो कैश होता है उसको लेके और चले गए। बाकी हम लोगों ने रास्ते में CCTV फुटेज देखा है, उसकी पहचान हो गई है, गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास। लगभग कितने रुपए की लूट? अभी उन्होंने सही आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन प्राइम ऑफिसी वो 3 लाख के आसपास का कैश है, बाकी जैसा वो प्राथमिकी दर्ज कराए। ठीक, थैंक यू। इसके चलते हम नहीं उसके पीछे दौड़े, और नहीं दौड़े सो अच्छा भी हुआ। अच्छा, उसके बाद दूरिंग और बढ़ के जो पिछला था वो एक बार फायर किया, उसका खोखा वगैरह सब मिल गया, और यह सारी घटना जो है सो इलेक्शन के चलते हुआ। हम लोग बार बार कहते हैं कि इलेक्शन व्यापार है, समूचे देश के लोग 2 महीने